हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे एंड रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com और आज मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूं अबाउट इंक्रीजिंग योर राइटिंग स्पीड। कई बार ये सवाल आता है कि सर हमसे पेपर कंप्लीट नहीं होता, हम 70 मार्क्स का ही पेपर लिख पाते हैं, 60 मार्क्स का ही पेपर लिख पाते हैं। तो आज मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि आप आपकी राइटिंग स्पीड अगले 2 मंथ्स में या अगले समय में किस प्रकार बढ़ा सकते हो। टिप नंबर 1, सबसे पहली जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस करना। सो कुछ रफ बुक्स परचेस कर लीजिए 4-5 और ट्राई कीजिए कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो आप उसको लिख रहे हो, पॉइंट वाइज फॉर्म में ही सही पर आप उसको लिख रहे हो। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के ये चीज नहीं होगी। दूसरा, टाइमर लगा के लिखिए। टाइमर राइटिंग इज वेरी नेसेसरी कि आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको इफेक्टिव में, 4 मार्क का अगर क्वेश्चन है थ्योरी पेपर का तो आपने उसको इफेक्टिवली कंप्लीट करना चाहिए विद इन 6 मिनट्स। अगर आप एग्जाम समय को कंसिडर करते हो तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए नॉर्मली आपको 1 मार्क के लिए 1.6 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना, 1 mark = 1.6 minutes। तो आप जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय उसके जितने मार्क्स है मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मिनट्स के अंदर वो हो जाना चाहिए। सो टाइमर राइटिंग ये बहुत इफिशियंट वे है आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ाने का। थर्ड, टेस्ट सीरीज दीजिए। हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आपका टाइम पुर रहा हो पर थ्रू आउट द पेपर 2-3 घंटे का पेपर सॉल्व करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टास्क। सो टेस्ट सीरीज दीजिए और टेस्ट सीरीज में खुद के टाइमिंग्स को मैनेज करना सोचिए, खुद के टाइमिंग्स को मैनेज करना देखिए। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस अगर बच्चे को दिख जाता है तो उसके ऊपर वो लिखता जाता है और बहुत सारा समय वेस्ट कर देता है अननेसेसरी चीजों को लिखते हुए जिनकी जरूरत भी नहीं होती अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सो टेस्ट सीरीज में आपको ये कंटेंट काफी क्लियर होगा कि भैया कितनी जरूरत है और कितनी चीजें लिखनी चाहिए। टिप नंबर 4, यूज सेम इक्विपमेंट्स। जब भी आप कोई भी पेपर लिखो यहां से लेके एग्जाम तक के तो आप सेम इक्विपमेंट्स यूज करो, जैसे सेम पेन यूज करो, ठीक है, सेम स्केल यूज करो, सेम इक्विपमेंट्स यूज करो, सेम कंपास, सेम पाउचेस यूज करो, जिससे आप उनके साथ काफी हैबिचुअल रहो और टाइम पे एग्जाम में हैसल ना हो। मैंने देखा है अक्सर बच्चे एग्जाम पेपर के टाइम पे पेन पेंसिल उनके पाउचेस सब चेंज करते हैं, नए लेके जाते हैं, लकी वन सिलेक्ट करते हैं और उसको लेके जाते हैं। ये चीजें अवॉइड करें। 2-3 महीने से एटलीस्ट 5-6 महीने से जो चीजों को, जो पेन को आप यूज कर रहे हो उन्हीं पेन्स को कृपया आप यूज करें। और सबसे आखिरी, एक प्रॉपर फॉर्मेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आदत लगाइए कि आपका अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो आप किस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, जैसे कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स, अकाउंट्स के फॉर्मेट्स, एसएफएम के फॉर्मेट्स, वो डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपके थ्योरी पेपर है तो आप उनको किस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, जैसे लॉ के आंसर राइटिंग फॉर्मेट हमारे डिसाइडेड है, ऑडिट के आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपके डिसाइड होने चाहिए, जो भी आपका थ्योरेटिकल पेपर है उसके फॉर्मेट्स डिसाइड होने चाहिए। सो 5 टिप्स, आई रिपीट वंस अगेन, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए रफ बुक्स में। दूसरा, टाइमर राइटिंग कीजिए। तीसरा, टेस्ट सीरीज राइटिंग कीजिए फॉर द लॉन्ग 3 आवर्स पेपर। चौथा, सेम इक्विपमेंट्स यूज कीजिए। और पांचवा, आपने नॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेटेड प्रोसीजर्स के अंदर ही राइटिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई भी कोर्सेस चाहिए तो wowclass.com से परचेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन करे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।